लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेरी और परमानेंट के जरा सा बीच में हैं, जैसे एक शॉट्स जिसे जो 3 महीने के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जो शॉट्स जो इंजेक्शंस लगते हैं, फिर से इसमें भी बहुत बड़े हेल्थ रिस्क तो हेल्थ हजार्स है। यहाँ तक कि एस्टैब्लिश रिपोर्ट्स हैं जो साबित करती है कि ये जो शॉट्स, जिसकी मेडिकल टर्म है डेपो-प्रोवेरा, इसकी वजह से कई सारे फॉर्म ऑफ कैंसर्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 190% बढ़ जाते हैं, रिपोर्ट्स है इसके पिल से बारे भी में जो कहीं साबित ज्यादा। करते हैं। जी, पिल से तो 44% बढ़ रहे थे। और ये एक नेचुरल सिस्टम है। देखिए, क्या आपको पता है कि एक औरत को जब बच्चा पैदा होता है ना, हर बच्चा जब उसे पैदा होता है, एवरी चाइल्ड से उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 5% कम होते जाते हैं। और जब वो उसे दूध पिलाती है प्रॉपरली, तो दूध पिलाने से भी उसके सिग्निफिकेंटली उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब वो करने की जगह, जब ज्यादा बच्चे पैदा करने की जगह, जब वो ये इस तरह के बच्चों को रोकने वाली चीजें करती हैं, तो जैसे पिल्स हमने देखा 44% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। ये इंजेक्शन जो 3 मंथ्स का सिंगल इंजेक्शन है, वन इंजेक्शन ले लो, 3 महीने तक की फुर्सत है, तो लेकिन इससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 190% बढ़ते हैं। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंटली सर्विकल कैंसर के चांसेस 430% बढ़ जाते हैं। इसी ताल्लुक से एक और हाँ, बात हम देखते हैं कि इस इंजेक्शन की वजह से और प्रॉब्लम क्या होता है, बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती, कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब हो जाता है, और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पिल्स के केस में एक और चीज हम देखें कि पिल्स के केसेस में हार्ट के डिजीजेस कॉमन हो जाते हैं। वो औरतें जो पिल्स लेती हैं उनके अंदर हार्ट के डिजीजेस, उसी तरह यहां पर भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम खराब हो रहा है। तो ये कई सारे कहीं ना प्रॉब्लम्स हैं। कहीं इन अदर वे ये इफेक्ट करते हैं हेल्थ जी को।